नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है पैदल चलते चलते, और आज कपड़े भी बदल चुके हैं क्योंकि कल की वीडियो इतनी भयंकर वायरल हो गई कि मुझे दान पुण्य मिला कपड़ों में। और मेरे साथ है मेरे भाई त्रिलोक जी, जो अभी भी बेचारे एम्स की टी शर्ट में ही घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी एक टी शर्ट दिलवा दूंगा। एम्स अपनी स्थान है यार, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भारत का नंबर वन अस्पताल है। फुल फॉर्म भी पता है भाई को यार, टी शर्ट इतनी पहन ली कि फुल फॉर्म भी रट गए बोल। चलो फिर अब चलते हैं नहाने, नाश्ता करके हम आ चुके हैं। मिलते हैं दोस्तों हम आपको सीधा अपने गंगा बीच पे। बीच में मत बोला कर तू यार, चलो ठीक है देखते रहो। तो दोस्तों जैसे कि आपने अभी भाई को देखा, इतने प्यार से बच्चों की तरह कुत्तों को दूध पिला रहा था, तो मतलब मुझे वो देख के बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने भाई की वीडियो भी बना दी। तो होना चाहिए इंसान के अंदर ऐसी इंसानियत तो होनी चाहिए। भाई तो डॉग लवर है ही, हम भी डॉग लवर हैं, डॉग लवर के हम एनिमल लवर हैं। तो बस बाकी अब चलते हैं नहाने, बाकी बने रहिए। पहले थोड़ी देर सनबाथ लेते हैं, उसके बाद गंगा मैया में उतरते हैं। हर हर गंगे। सुबह से राफ्ट शुरू हो जाती है देख सकते हो, और पानी का स्तर जो आजकल थोड़ा बढ़ा हुआ है तो इसलिए हम साइड साइड में नहाते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर 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 गंगे गंगे। बस आते ही ये पत्थर में चढ़ जाता है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। जय गंगे मैया। और ये हमारे अभिषेक भाई है जो कि संवाद ले रहे हैं। तो देखो किस तरह से लेट रखे ये हमारे ब्लॉग में। आखिर गंगा मैया में आने का सबसे ज़्यादा मज़ा यही है। ये देखिए गाइस, सीधे लपड़े जाओ, देखिए गाइस माटम लपड़े जाओ सीधा यान करी। ये कितना मजा आ रहा है देखो, गंगा मैया कितनी जीवन का आनंद है दोस्तों। ये देखो हमारी गंगा मैया कितनी डीप है ना, लेकिन आज तक हमें इतना टाइम हो गया नहाते नहाते, बेचारी सबके पाप को दूर लगाते हुए जा रही है। देखो जीवन का असली आनंद यही है दोस्तों। ये हमारा भाई आराम से धूप में आनंद ले रहे हैं, बिल्कुल मस्त मजा। इस तरह देखो दोस्तों, आदमी पैसे से नहीं कमा सकता है ऐसी जगह। और ये मगरमच्छ कहाँ से आया? ओए इस मगरमच्छ की तरफ करना, वो सुनता हूँ उनको खाने। देखो सामने राफ्टिंग वाले भी जा रहे हैं, इधर करना ये मगर।
कि अपने भाई ये देखो दोनों मस्ती कर रहे हैं किस तरह से तैरता हुआ नहीं नदी में खाने आए ये देखो आप देख सकते हैं और ये अपने भाई लोग जा रहे हैं उधर और मेरे कच्चा बर्गर माटे से वो तिलक ये भैया है हमारे जो राजस्थान से दगा रख के क्या दिखा रहे यार और मेरे कच्चा माटो भरी ये आप देख भाई बोलते कि कच्चे में मिट्टी घुस गई है माटो भर गए रे ना तो दोस्तों देखो इसको बोलते हैं मड थेरेपी। अभी ये मेरा दोस्त मड थेरेपी दे रहा है देख सकते हो बढ़िया करके जैसे शिवाजी पिक्चर में शिवाजी गोरा होने के लिए वो लगाता है ना वैसे ही देख सकते हो तिलोक भाई मड थेरेपी लेते हुए। चलो ये मेरे भी लगा दे यार भाई प्लीज़ यार भाई अभी तुम्हारा भाई भी मड थेरेपी लेगा पूरा मज़ा आ जाएगा। तो तिलोक भाई आपका अनुभव कैसा रहा आज? बहुत मज़ा आया दोस्त आज जो जन्नत लगी आज तो कुछ ज्यादा मजे ले ले तुमने आज तुमने मड थेरेपी भी ले ली मिट्टी मुट्टी लगा के शरीर में मजा आ गया गंगा मैया में यही तो फायदा है यार मतलब मैं तो बहुत भगवान का बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि भगवान ने ऐसी जगह हमको जन्म दिया है इतना प्यारे अपने देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड में जो हमारे पास देखो लोग तरस जाते हैं दोस्तों ऐसी जगह को पाने के लिए लोगों को पैसे देके टिकट लेके नहीं मिलती है और हम लोग डेली यहाँ पे आते हैं नहाते हैं गंगा मैया में स्नान करते हैं तसल्ली से मज़ा आ जाता है। उसके बाद जाके हम ड्यूटी भी करते हैं अपने लेकिन ड्यूटी पे पूरे दिन भर वीकनेस कमजोरी महसूस नहीं होती तंदुरुस्ती रहती है दिन भर बिल्कुल एनर्जेटिक बिल्कुल एनर्जेटिक रहती है। चलो तो दोस्तों नहा धो के हो चुके हैं हम फर्स्ट क्लास देखो तैयार और देखो अब हम लोग चलते हैं बिल्कुल ड्यूटी जाने के लिए रेडी हैं हम चलते हैं थोड़ी देर में ड्यूटी तब तक के लिए बने रहिए। बढ़िया पानी है मंदिर का देख सकते हो श्री राधा कृष्ण मंदिर जय आ जा बजरंग बली की जय। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी मजदूरी करके और आज मजदूरी में हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ देखा बिल्कुल। और भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं कि 7 फुट की लड़की भाई लड़की की टावर है बहन जो भाई साहब तो दोस्तों 7 फुट की लड़की भी मैंने पहली बार देखी है और आपने भी देख लिया ऐसा लग रहा था कि जैसे टावर में कपड़े पहना रखे हैं तो बस आज लोग पलट पलट के देख रहे हैं एक्सप्रेशन इतने खतरनाक है। तो बस हमने खाक होकर हम आ चुके हैं बाहर और आज का दिन कैसा रहा तो बहुत मस्त रहा है मेरे दोस्त और आज मौसम भी बड़ा सुहाना है दोस्तों देखिए इस गर्मी से आज भगवान ने हमको राहत दिलाया है और देखिए क्या मस्त फील हो रहा है और आज ठंडा हो रहा है क्योंकि आज हल्की फुल्की बसों चली बरखा तो नहीं हुई पर बसों चली उधर चली बिल्कुल। चलो फिर बने रहिए और देखते रहिए। और दोस्तों आज मुझे एक भयंकर बात पता चली कि त्रिलोक जी जो हैं सिंगर भी हैं और एक गाना ये प्रस्तुत करना चाह रहे हैं अपनी स्वेच्छा से। तो त्रिलोक जी अगली आवाज आपकी खबर शुरू से मेरा डांडी काटू मुलुक जलो बसंत ऋतु माजे बसंत ऋतु माजे। देखो दोस्तों मौसम के हिसाब से गाना गाने का मन भी कर रहा है बसंत ऋतु माते। तो दोस्तों इतना ही था बस आज का पहले लाइट आ रही है तो दोस्तों इतना ही था बस आज का इतनी वीडियो बना पाया मैं सुबह से लेके पर कोई बात नहीं आप थोड़ा बहुत आप भी मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहो क्योंकि अपने पास टाइम भी नहीं है फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बस
इतने था आज का, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड। Yeah.